तो देखिए, राजधानी जयपुर में टमाटर के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। सब्जी मंडी में टमाटर 200 से 250 रुपए के हिसाब से भी बिक रहा है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के चलते रास्ते बंद होने से टमाटर की जो आवक है वो बंद हो गई है। तो वहीं बेंगलुरु में अधिक बारिश होने से टमाटर की खेती प्रभावित होने से टमाटर की आवक कम हुई है। ऐसे में टमाटर महंगे दामों पर मंडियों में बेचे जा रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि टमाटर खरीदना बड़ा मुश्किल हो गया है। जी मीडिया संवाददाता दामोदर प्रसाद ने जयपुर के लाल कोठा सब्जी मंडी से टमाटर के भाव का जायजा लिया है। जयपुर टमाटर ने फिर से लोगों को लाल कर दिया है। टमाटर खाने के लिए अब लोग सोच रहे हैं खाए या ना खाए, क्योंकि अभी फिर से टमाटर के भाव 300 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। अभी हम सब्जी मंडी जो जयपुर की लाल कोठी सब्जी मंडी वहां पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हो टमाटर के भाव अभी भी आसमान छू रहे हैं, क्योंकि लोग जो 2 किलो या 5 किलो जो टमाटर लेते थे अब वो आधा किलो या पाव में ही आ गए हैं, क्योंकि महंगा इतना हो गया है कि लोग अब खरीदने पर भी सोच रहे हैं। कुछ ग्राहक उनसे बात करेंगे, सर टमाटर कितना ले रहे हो, क्योंकि अभी कितने 200 रुपये किलो कितना खरीद रहे हो आप? 1 किलो महंगा है, महंगा है। देखिए टमाटर के जो भाव हैं वो काफ़ी महंगे हो रहे हैं, उसमें कुछ और हैं उनसे भी बात करेंगे जो ओनर है। भाई ये बताओ सर, टमाटर इतना महंगा क्यों हो रहा है फिर से? टमाटर महंगा इसलिए, इतना महंगा इसलिए हो रहा है क्योंकि जयपुर के टमाटर अपने आसपास के जो आते थे ना, ये इस आंधी तूफान से अभी ख़त्म हो गए बारिश से ही, और ये जो इस टाइम पे हिमाचल का टमाटर आता था वहाँ पे भी तूफान आने से हिमाचल का टमाटर बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये बेंगलोर से आ रहा टमाटर ये जगह पर महंगा है, तो वहाँ पर बिल्कुल कम टमाटर है, ख़त्म हो गया टमाटर, तो ये बारिश की वजह से हो गया। तो वहीं से 150 रुपये तक के वहाँ खरीद हो रही है टमाटर की, तो हमारे को यहाँ महंगा मिल रहा। तूफान आने से जिस तरीके से जो टमाटर ख़त्म हुआ है, खेती ख़त्म हुई है हिमाचल से, वो इसका प्रभाव काफ़ी देखने को मिल रहा है। से क्योंकि बारिश में टमाटर इस बार इसलिए ज़्यादा महंगा हो रहा है कि इस बार क्योंकि पूरे देश भर में बारिश का प्रभाव भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हिमाचल का जो टमाटर आता है क्योंकि इतना ये बारिश का कहर ढह रहा है, उसके कारण रास्ते बंद हो गए, टमाटर नहीं आ पा रहा है। बेंगलुरु में जो टमाटर की खेती है वो बारिश के कारण ख़त्म हो रही है, ऐसे में कम टमाटर पहुंचने के कारण बहुत महंगा पहुंच रहा है। ऐसे में मंडियों में जिस तरीके से पहुंच रहा है, जो थोक के भाव से जो टमाटर मंडियों में आ रहे हैं और उसके बाद जो खुदरा भाव से जो बेचे जा रहे हैं, वो टमाटर कम से कम 200 से लेकर 300 रुपये किलो के भाव में ऊपर से नीचे चढ़ाव चल रहा है। ऐसे में लोगों की जो रसोई से है वो टमाटर भी अब खत्म होता जा रहा है, जैसा कि अब ऐसा लग रहा है कि सोने चांदी के भाव में अब टमाटर लोगों को खरीदना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ दामोदर प्रसाद, जी मीडिया जयपुर।